हमारी 11 सूत्री मांग थी जो हमने सरकार को अवगत कराया था, जो सरकार के नुमाइंदे आए उनको हमने हमारी 11 सूत्री मांगे दी थी, मगर दो मांगे तो हमारी पूरी की उसी टाइम पे, लेकिन जो अदर मांगे रही वो आज तक पूरी नहीं हुई। मतलब 3 महीने बीतने के बाद भी हमारी मांगे पेंडिंग की पेंडिंग ही है, बिल्कुल हुई। उनके पास हम गए भी हैं, उन लोगों ने हमें बुलाया भी है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, डिमांड पूरी नहीं होती। वो कहते हैं कि कोई नहीं, अब करवा देते हैं, आप लेटर दीजिए हम करवा देते हैं। हमने सबको लेटर दे दिया, सबको अवगत करा दिया, लेकिन फिर भी कोई सरकार के तो कान पे जू तक नहीं रेंगती। मुख्य तो हमारी रही कि जैसे जो मुआवजा बोला गया था, ना तो वो मुआवजा मिला। फिर गवाह है हमारे मैन, जो इस केस में गवाह है मुख्य, उनको कोई भी सुरक्षा आज तक उपलब्ध नहीं हुई। अदर में भी बहुत सारी डिमांड है जो हमारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो नौकरी की है और जो अजीत के परिवार से उनकी वाइफ है, वो भी मतलब इस स्थिति में नहीं है कि वो परिवार को चला सके। उनका परिवार भी बहुत दुखी है, क्योंकि घर में कमाने वाला जब चला जाता है ना तो बहुत मुश्किलें आती है। उनके परिवार में भी कमाने वाले वही थे और मेरे परिवार में भी कमाने वाले मेरे पति थे। अभी तो NIA की जांच कोई जांच में जांच नहीं है, क्योंकि जो अपराधी पकड़े गए थे वो राजस्थान पुलिस ने ही पकड़े थे। अभी तक NIA की जांच ने क्या किया है क्या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो 4-5 आदमी जो हमारे मतलब पास बैठने वाले, मेरे पति के पास बैठने वाले थे, उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं से पूछताछ कर लेते हैं और उनको वापसी भेज देते हैं। अब क्या जांच आगे चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्योंकि आज तक जो अपराधियों ने अस्त्र दे के भेजे थे कि भाई उनको मारना है और है, वो आज तक पकड़ में नहीं आए। फिर वो फेसबुक से जारी किया था रोहित गोदारा कि सुखदेव सिंह को मराने के लिए मैंने मरवाया उसे, उनको भी नहीं ला पाई। तो NIA की जांच से कहां संतुष्टि मिले हमें। मैं संतुष्ट होती तो मैं न्याय यात्रा नहीं निकालती। न्याय यात्रा का मतलब यही है कि मतलब मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले, क्योंकि अन्याय तो हमारे साथ भी हो रहा है ना। जब तक वो हत्यारे बाहर घूमेंगे, वो हमारे लिए हमारी खुद की मौत है। वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, इसका मतलब सुरक्षित तो मेरा परिवार आज भी नहीं है। अब ज्ञापन वाली बात नहीं है, अब तो करनी सेना ने ज्ञापन देना नहीं सीखा, करनी सेना ने हाथों हाथ अब रिजल्ट लेना सीखा है। तो हम वहां पे ज्ञापन देने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो घेराव करेंगे, फिर CM हाउस का घेराव होगा।